गाइस, आप लोगों की काफी कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था अपने कम्युनिटी पोस्ट पे कि आप लोगों को डिस्कॉर्ड रिलेटेड ट्यूटोरियल चाहिए क्या। तो वहाँ पे 81% लोगों ने, मतलब आप लोगों ने वोट किया और बोला मुझे कि हाँ बेसिक से चाहिए डिस्कॉर्ड रिलेटेड ट्यूटोरियल। तो मैंने सोचा चलो फिर क्यों नहीं, जब आप लोग बोल ही रहे हो तो शुरू करते हैं डिस्कॉर्ड रिलेटेड ट्यूटोरियल्स की एक सीरीज। क्योंकि यार देखो, डिस्कॉर्ड बहुत ही बड़ा ऐप है एक हिसाब से कहें, उसमें करने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, मतलब बहुत ही कुछ है। इतना आप क्रिएटिव कर सकते हो डिस्कॉर्ड सर्वर में कि मैं क्या बताऊं, तो वो एक वीडियो में तो कवर हो नहीं सकता। तो हम लोग इस डिस्कॉर्ड रिलेटेड ट्यूटोरियल की सीरीज बनाएंगे और बैक टू बैक वीडियोस देंगे। बैक टू बैक मतलब आएगी, एक महीने में दो वीडियो तो आई जाएगी डिस्कॉर्ड रिलेटेड। ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को डिस्कॉर्ड का बेसिक बताऊंगा, समझाऊंगा डिस्कॉर्ड में क्या क्या होता है बेसिक सा, और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे डिस्कॉर्ड सर्वर को अपने मोबाइल पे बना सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखो, पूरा देखो, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये बेसिक रिलेटेड रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा एडवांस कुछ नहीं, ये सारा बेसिक मैं बताने वाला हूँ। तो चलो यार ये वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को डिस्कॉर्ड सर्वर अपने मोबाइल पे कैसे बनाना है बेसिक से। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि एक इंडियन लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है जहां पे आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग एंड चिल कर सकते हो अपनी ऑडियंस के साथ में और पैसे अर्न कर सकते हो। आपके व्यूअर्स आपको गिफ्ट सेंड कर सकते हैं और उससे भी आप लोग अर्न कर सकते हो। तो जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड करो लाइव एप्लीकेशन को और मजे करो। तो भाई इससे पहले कि मैं आप लोगों को डिस्कॉर्ड सर्वर बनाना सिखाऊं, आप लोगों को डिस्कॉर्ड के कुछ बेसिक जानना जरूरी है। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बता देता हूं फटाक से। तो जब आप कोई भी डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करते हो, अपने फेवरेट किसी भी यूट्यूबर का या फिर किसी का भी डिस्कॉर्ड सर्वर, तो आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। ये मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है, अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है इस चैनल का। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है सर्वर स्टैट्स, गेटवे, ये सब कैटेगरीज रहती हैं, ठीक है। इस कैटेगरी के अंदर हम लोग चैनल्स को ऐड करते हैं। अब चैनल डिस्कॉर्ड पे दो टाइप के होते हैं, एक टेक्स्ट चैनल होता है जहाँ पे टेक्स्ट में बातचीत चलती है, और एक वॉइस चैनल होता है जहाँ पे वॉइस में बातचीत चलती है। सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वॉइस पे बातचीत कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो हैशटैग है जो चैनल्स के नाम, ये सारे चैनल्स है, ठीक है। और ये कैटेगरी है गेटवे, ये कैटेगरी है, उसको आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर कितने चैनल्स है वो सारे ओपन हो जाएंगे। तो वो एक टाइप से फोल्डर है, ये एक टाइप का फोल्डर है, उसके अंदर सारे चैनल्स है। जिसके जो चैनल के आगे हैशटैग आपको दिख रहा है वो सारे टेक्स्ट चैनल है, और जिसके आगे यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो स्पीकर का आइकन दिखाई दे रहा है। देखो मैं जहाँ पे टच कर रहा हूँ, तो ये स्पीकर वाला आइकन जो भी चैनल के आगे है वो सारे वॉइस चैनल है। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ये आप लोगों को बहुत सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वो डिस्कॉर्ड सर्वर है जिनको मैंने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक जो मुझे बताना था स्टार्टिंग में। अब अगर बात करते हैं हम लोग डिस्कॉर्ड सर्वर बनाने की, तो आप लोगों को बनाना कैसे है। डिस्कॉर्ड सर्वर बनाने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल में नीचे आओगे आप, तो यहाँ पे प्लस आइकन आपको दिखाई देगा ये वाला। तो इस प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है, और अभी आपको पूछेगा कि आपको किस कैटेगरी का डिस्कॉर्ड सर्वर बनाना है। आपका गेमिंग चैनल है तो गेमिंग रिलेटेड, स्कूल क्लब, किस कैटेगरी का बनाना है। आप टेम्पलेट यहाँ पे उठा सकते हो, ये पहले नहीं था, ये अब आया है अपडेट में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिक से बताने के लिए ऊपर क्रिएट माई ओन पे क्लिक करता हूँ। आप कोई भी अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हो। क्रिएट माई ओन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं टच करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का नाम दे देता हूँ TUTORIL ट्यूटोरियल डिस्कॉर्ड, ठीक है, ट्यूटोरियल डिस्कॉर्ड। यहाँ पे नाम देने के बाद डिस्कॉर्ड सर्वर का ऊपर आप यहाँ पे अपने सर्वर का आइकन भी अपलोड कर सकते हो, जो आपका सर्वर का लोगो रहेगा वो यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको नीचे क्रिएट सर्वर पे क्लिक करना है। क्रिएट सर्वर पे क्लिक करने का यहाँ पे पूछेगा टॉपिक, इसको आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो टेक। यहाँ पे ऊपर स्किप का बटन है, स्किप पे यहाँ पे क्लिक कर दो। स्किप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इनवाइट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने कौन से दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो यहाँ पे अपने सर्वर में। तो फिलहाल मैं किसी को इनवाइट नहीं कर रहा हूँ, और नीचे यहाँ पे आपको इनवाइट लिंक भी दिख रही है, ये लिंक आप शेयर कर सकते हो अपने व्यूअर्स के साथ या अपने किसी भी लोगों के साथ जिनको आपको, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको आपको इनवाइट करना है अपने सर्वर में। यहाँ पे ये लिंक जो आपको दिखाई दे रही है बाय डिफॉल्ट ये 7 दिन में एक्सपायर हो जाती है वैसे, इसको आपको ये सेटिंग वाली बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना अच्छा सा लिंक बना लेना है, नो लिमिट वाला, जिसका कोई लिमिट ना हो, और मैक्स नंबर ऑफ यूजर कितने भी लोगों को आप इनवाइट कर पाओ सेम लिंक से, ये सब चीज कर लो ताकि आपके लिंक जो है, इनविटेशन लिंक जो है, वो कभी एक्सपायर ना हो। और यहाँ पे आप क्रिएट लिंक पे क्लिक करके लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया इनवाइट लिंक के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग सीधे क्या करते हैं, ऊपर जो कैंसिल वाली बटन है उसको दबा देते हैं। कैंसिल दबाने के बाद यहाँ पे जो आपका सर्वर है वो बन चुका है बेसिक सा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे ऊपर जो लाइंस दिखाई दे रही है 3 लाइंस, वो 3 लाइंस पे हम लोग क्लिक करेंगे लेफ्ट में, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 2 चैनल बना के देता है, एक टेक्स्ट चैनल जनरल के लिए और एक वॉइस चैनल जनरल के लिए। तो यहाँ पे 2 चैनल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये टेक्स्ट चैनल है जहाँ पे हम लोग मैसेज हाई हुई कर सकते हैं, हाई हुई
यहाँ पे टेक्स्ट में बातचीत हो सकती है, और ये जो नीचे वाला चैनल है जिसका आगे स्पीकर है वॉइस चैनल, इसको क्लिक करके हम लोग यहाँ पे ज्वाइन वॉइस करके वॉइस ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे अब आपके और भी फ्रेंड्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक से चैनल। अब यहाँ पे आपको चैनल ऐड करना है और ऊपर कैटेगरी आप देख सकते हो, यहाँ पे कैटेगरी भी बनी हुई है, टेक्स्ट चैनल, वॉइस चैनल। अब यहाँ पे समझ लो ऊपर जो टेक्स्ट चैनल दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप लोगों को और भी टेक्स्ट चैनल ऐड करने हैं जनरल के नीचे, कोई भी अपने नाम, जो भी आपको नाम रखना है टेक्स्ट चैनल का। तो आपको यहाँ पे प्लस वाली जो आइकन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अपने चैनल को नाम देना है, मतलब जो भी टेक्स्ट चैनल आप ऐड करना चाहते हो। तो समझ लो यहाँ पे चैटिंग लिख देता हूँ मैं, वैसे तो आप जो भी देना चाहते हो वो वहाँ पे रख सकते हो, फन चैटिंग समझ रहे हो ना, बकवास, ये सारी चीजें रख सकते हो आप लोग। टेक्स्ट चैनल बनाना है तो टेक्स्ट चैनल पे क्लिक करो, वॉइस चैनल बनाना है तो वॉइस चैनल पे टिक करो। तो अभी मैं टेक्स्ट चैनल वाले कैटेगरी में ऐड कर रहा हूँ इस चैनल को, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट चैनल रखूंगा। टेक्स्ट चैनल रखने के बाद ऊपर आपको टिक वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे टिक कर दो। तो टिक करने के बाद यहाँ पे एक और मेरा नेक्स्ट नया टेक्स्ट चैनल बन चुका है जिसका मैंने नाम चैटिंग रखा है, वेलकम टू, यहाँ पे चैटिंग दिखा रहा है। ऊपर थ्री लाइंस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो जनरल के नीचे एक चैटिंग भी आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग जितने भी टेक्स्ट चैनल बनाना चाहो उतने टेक्स्ट चैनल बना सकते हो। अब सेम वही चीज आपको फॉलो करना है, नीचे अगर आपको वॉइस चैनल वाली कैटेगरी में आपको एक और वॉइस चैनल ऐड करना है तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे अपने चैनल को नाम दे सकते हो, समझ लो स्क्वाड SQUAD स्क्वाड, यहाँ पे मतलब हमारी स्क्वाड बैठ के VC बातचीत करेगी, तो यहाँ पे स्क्वाड लिखूंगा मैं। और ये वॉइस चैनल रहेगा तो यहाँ पे वॉइस चैनल पे टिक कर दूंगा और ऊपर टिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्क्वाड बनाया है तो यहाँ पे मुझे ये भी ध्यान रखना है कि समझ लो ये जो वॉइस चैनल है यहाँ पे चार ही लोग ज्वाइन कर पाए, ठीक है। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, ये स्क्वाड पे आप लोग ऐसा टच करके रखो थोड़ी देर तक तो ये आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आने का यूजर लिमिट देखो, यहाँ पे नो लिमिट दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ पे आप कितने यूजर वहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितने यूजर वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं उस वीसी में, तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे समझ लो स्क्वाड मैंने लिखा है तो चार ही मेंबर ज्वाइन होना चाहिए वहाँ पे, यहाँ पे मैं चार यूजर कर दूंगा, ठीक है। चार यूजर पे सेट कर दिया मैंने, अब इस वाले वीसी में सिर्फ चार ही लोग ज्वाइन कर पाएंगे। परमिशंस, अगर आपको परमिशन सेट करनी है कि वो पर्टिकुलर मेंबर के पास कुछ परमिशन रहना चाहिए वो वीसी ज्वाइन करने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बट ये सारी चीजें आप लोगों को आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा एडवांस लेवल पे। तो कुछ इस हिसाब से आप लोग यूजर सेट कर सकते हो कि वो वीसी में इतने ही यूजर ज्वाइन होंगे। यहाँ पे मैं नीचे सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ, जो ब्लू वाली बटन है, सेव क्लिक कर दिया। बैक करते हैं एक बार हम नीचे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्क्वाड के आगे नंबर भी आ गए हैं 00/04, मतलब अब यहाँ पे सिर्फ चार ही मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को मेरे सर्वर में दिखाऊं तो एक बार हम लोग मेरे सर्वर में आते हैं और यहाँ पे मैं मेरे सर्वर के लिस्ट में दिखाता हूँ राइट साइड में, तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे सारे ऑनलाइन मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी मेंबर है मेरे सर्वर में जितने भी लोग हैं वो सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे कैटेगरी दिखाई दे रही है, मेरे नाम के ऊपर ओनर दिखाई दे रहा है, नीचे एडमिन दिखाई दे रहे हैं, दो एडमिन दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन, उसके नीचे मॉडरेटर दिखाई दे रहे हैं और उसके नीचे एपिक बूस्टर दिखाई दे रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना ये रोल्स हैं। तो ये रोल्स कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप आपके सर्वर में रोल बनाना चाहते हो कि एक एडमिन का रोल रहेगा, एक मॉडरेटर का रोल रहेगा और बाकी आप नीचे देखोगे तो नॉर्मली जितने भी लोग होते हैं उनका नाम एक्सपो फैमिली है, तो वो हमारे जो फैमिली का बाकी हिस्सा रहते हैं तो उनको एक्सपो फैमिली का रोल बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये रोल्स कैसे बनाने मैं अब आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने सर्वर में जाना है, जैसे ये अभी अपना सर्वर है जो अपन ने नया बनाया। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ऊपर जो थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे हैं उस पर आपको टच करना है, थ्री डॉट्स पे टच करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आप लोगों को दिखाई देगा रोल्स, रोल्स वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे नीचे जो प्लस आइकन है उस पर क्लिक करके आप नया रोल ऐड कर सकते हो। तो समझ लो मुझे एडमिन के लिए एक नया रोल ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू रोल ऐड हो जाएगा, उस पर मैं टच करूंगा, टच करने के बाद यहाँ पे न्यू रोल को नाम दे दूंगा एडमिन, ठीक है। तो जो मेरे सर्वर का एडमिन रहेगा उसको मैं ये रोल दूंगा, एडमिन नाम देने का। यहाँ पे रोल कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, उस एडमिन का रोल कौन सा कलर रहना चाहिए, मतलब वो मैसेज करेगा तो वो कलर में दिखाई देगा उसका नाम वगैरह वो सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं समझ लो एडमिन को ग्रीन कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। एडमिन रोल का हमने कलर भी दे दिया। अब इस रोल की सेटिंग जो नीचे दिखाई दे रही है, डिस्प्ले रोल मेंबर सेपरेटली फ्रॉम ऑनलाइन मेंबर, ये टच कर देना है आपको ताकि वो रोल मेंबर जो है वो अलग से दिखाई दे ऑनलाइन मेंबर से, जैसे मेरे सर्वर में दिखाई दे रहा था ना अलग से एडमिन मॉड्स वो वैसे। तो इसको आपको टच कर देना है, मतलब टिक कर देना है, और नीचे आने के बाद अलाउ एनीवन टू ऐड मेंशन दिस रोल, ये सारी चीजें आप लोग अपने हिसाब से, आपको क्या सही लगता है क्या नहीं सही लगता है उसको अपने हिसाब से उस रोल को आप परमिशन दे सकते हो, उस रोल के लिए स्पेशली
और नीचे अगर आप लोग आओगे तो एडमिन क्या क्या कर सकते हैं वो सारे आप दे सकते हो। एडमिन है तो उसको एडमिन राइट देना चाहिए, है ना, एडमिन है ना, तभी तो आप बोलोगे। तो सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे एडमिन परमिशन होता है। एडमिन परमिशन आप जिसको भी दे देते हो, जिस रोल को, और जिसके भी पास भी एडमिन परमिशन होती है, वो आपके सर्वर में सब कुछ कर सकते हैं। मतलब एक हिसाब से वो ओनर ही हो गया उस सर्वर का, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, नए बॉट्स ला सकता है या आपके सर्वर को पूरा डुबा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये बहुत खतरनाक परमिशन है एडमिन राइट्स, ये बहुत सोच समझ कर बहुत भरोसेमंद लोगों को ही देना कभी भी, ठीक है। तो समझ लो एडमिन को मैंने एडमिन परमिशन दे दिया और सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब पीछे आते हैं हम लोग, अब मॉड वाला एक रोल बनाना है समझ लो, तो वही सेम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने का न्यू रोल को हम लोग नाम दे देंगे मॉडरेटर या मॉड, और मॉड को कलर दे देंगे जो देना है, येलो कलर दे देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, कलर दे दिया। उसके बाद उसको जो भी परमिशन देना है मॉड को, वो अपने हिसाब से यहाँ पे आप टच कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, किक कर सकता है मॉड और बैन कर सकता है मेंबर को, निकनेम चेंज कर सकता है, सारी जो चीज़ है ये अपने हिसाब से आप लोग सेट करके उसको सेव कर दो। इतना चीज़ हमने कर दिया, तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैक करके। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल कोई यहाँ पे हमारे एडमिन में ऐड है नहीं, तो वो दिखाई देंगे नहीं, तो अभी यहाँ पे खाली मैं ही ऑनलाइन हूँ क्योंकि हमारे इसमें कोई मेंबर नहीं है। बट अगर कोई ऑनलाइन होता तो जैसे कि मेरे सर्वर में आपने देखा, यहाँ पे साइड में आप लोगों को दिखाई देते हैं एडमिन मॉडरेटर, ऐसे आपका भी सर्वर में दिखाई देगा जो भी रोल आप उसको दोगे। अब रोल देना कैसे वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ पे हम वही सर्वर में आते हैं जो हमने बनाया, तो जो भी ऑनलाइन मेंबर होता है यहाँ पे, जैसे अभी समझ लो मैं ऑनलाइन हूँ, मुझे इस बंदे को कोई रोल देना है, तो इसके ऊपर आप लॉन्ग टच करके रख सकते हो या फिर एक बार टच कर सकते हो उसको, मैनेज यूजर पे क्लिक कर सकते हो और वहाँ पे फिर रोल्स का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे आप इसको कौन सा रोल देना चाहते हो वो टच कर दो, वो रोल उसको मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे टिक कर दिया आपने तो वो रोल उसको मिल गया। यहाँ पे मैंने टिक कर दिया और यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूटोरियल डिस्कॉर्ड सर्वर में यहाँ पे एडमिन रोल जो है इस यूजर को मिल चुका है, मतलब मैंने खुद को दे दिया है, ठीक है। पीछे आता हूँ मैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपोजर के ऊपर जो पहले सिर्फ ऑनलाइन लिख के आता था, अब वहाँ पे एडमिन लिख के आ रहा है। और गाइस आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बनाने के बाद, कि आप लोगों को ना सबसे पहले जब आप सर्वर बना लेते हो तो ऊपर थ्री डॉट पे एक बार क्लिक करके आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है अपने सर्वर के, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ओवरव्यू में जाना है। ओवरव्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप नीचे थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट नोटिफिकेशन सेटिंग है, ये आपके सर्वर की सेटिंग है नोटिफिकेशन की, तो इसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल मैसेजेस पे टिक रहता है, आप लोगों को ओनली एट मेंशंस पे टच करके सेव करना है। अब ये चीज इसलिए करना है क्योंकि बहुत सारे सर्वर में क्या होता है जिसमें ऑल मैसेजेस पे वो टिक रहता है ना, वहाँ पे आप लोग अगर ज्वाइन कर लोगे उस सर्वर में तो सर्वर में कितने भी 100 लोग अगर बात करते रहेंगे 100 बार मैसेज आएंगे ना एक मिनट में, तो 100 बार आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो आपका अगर सर्वर में कोई भी मेंबर है और उसको 100 बार नोटिफिकेशन जा रही है तो वो इरिटेट हो जाएगा और वो आपका सर्वर छोड़ के चले जाएगा। तो इसलिए हरदम ये ध्यान रखो कि वहाँ पे आप लोगों को ओनली मेंशन पे करना है ताकि सबको नोटिफिकेशन ना जाए, जिसके बारे में बात हो रही है उसी को नोटिफिकेशन जाए। और आपको बता दूं कि मेंशन कैसे करते हैं किसी को, अगर आपको करना है तो यहाँ पे बैक करते हैं हम लोग। जैसे अभी समझ लो हम लोग जनरल चैट में, यहाँ पे मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना है या किसी से मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एट लिखना है। एट लिखने के बाद आप मेंशन कर सकते हो किसको आप बोलना चाहते हो। तो यहाँ पे समझ लो एक्सपोजर, अभी एक ही मेंबर है, एक्सपोजर टिक करूंगा मैं यहाँ पे एट लिखने के बाद, तो एट एक्सपोजर। अब यहाँ पे जो भी मुझे मैसेज लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ ऐसे खट 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 खुट, और यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। ऐसे करने के बाद सिर्फ एक्सपोजर को ही नोटिफिकेशन जाएगी उस मैसेज की, कि भाई तेरे बारे में कोई कुछ बोल रहा है, आके मैसेज पढ़ ले। तो गाइज ये वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिक समझा दिया डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में, डिस्कॉर्ड सर्वर को क्रिएट कैसे करते हैं वो बता दिया, टेक्स्ट चैनल कैसे ऐड करते हैं वो बता दिया, वॉइस चैनल कैसे ऐड करते हैं वो बता दिया, कैटेगरीज कैसे ऐड करते हैं वो बता दिया, रोल्स कैसे ऐड करते हैं वो बता दिया, रोल्स को परमिशन कैसे देते हैं वो बता दिया, ये सारी जो बेसिक चीजें वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। अब इससे जो एडवांस चीजें वो मैं आपको आने वाली वीडियोज में आगे वीडियोज में बताऊंगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और हाँ ये वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना आप लोग कि आप लोगों को डिस्कॉर्ड रिलेटेड क्या सीखना है सबसे पहले, तो उससे रिलेटेड जो वीडियोज है वो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।